तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे परिवहन डॉट एन आई सी डॉट इन, उसके बाद दोस्तों सर्च कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहां से फर्स्ट लिंक जो है ओपन करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन दिए गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस दिए गए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस पे आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फिल एप्लीकेशन डिटेल्स, अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, फीस पेमेंट, वेरीफाई द पेमेंट स्टेटस, प्रिंट द रिसीप्ट, ELL स्लॉट बुक यानी लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक। तो दोस्तों हम यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर जनरल ही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन पर चेक मार्क लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, सबमिट VIA आधार ऑथेंटिकेट, सेकेंड ऑप्शन है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेट। तो दोस्तों हम यहाँ पर आज आप सभी को बताएंगे आधार से ही कैसे हम ऑथेंटिकेट करके अपना लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का फीड होना ज़रूरी है, तभी दोस्तों आप अपना लर्निंग लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना स्टेज सेलेक्ट कर रखे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आधार नंबर और वर्चुअल आईडी दिए गए हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर हम अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद दोस्तों हम जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर फीड है उस पर एक OTP जाएगा, उस OTP को दोस्तों हम यहाँ पर फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद दोस्तों हम इन तीनों ऑप्शन पर चेक मार्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो आधार कार्ड में डिटेल्स है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो आपका RTO ऑफिस है कुछ इस तरीके से आपके पिन कोड के माध्यम से आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिए गए हैं, तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लैंडलाइन नंबर अगर हमारे पास है तो दोस्तों हम यहाँ पर फिल करेंगे, अन्यथा दोस्तों इसे छोड़ देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, तो दोस्तों अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो दोस्तों आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन विथ आधार दिया गया है, तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास अदर मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पर फिल कीजिए, अन्यथा दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क दिए गए हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने बॉडी में मार्क देख करके यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सेकेंड बॉडी मार्क दिया गया है, तो दोस्तों अगर आपके बॉडी में सेकेंड मार्क है तो दोस्तों आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, अन्यथा दोस्तों आप इसे छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एड्रेस दिए गए हैं, तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है आपके आधार कार्ड से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप यहां से अपना तहसील चूज कर लीजिएगा। तहसील चूज करने के बाद दोस्तों आप विलेज या टाउन से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से अपना विलेज चूज कर लीजिएगा। विलेज चूज करने के बाद दोस्तों यहां पर ड्यूरेशन ऑफ स्टे प्रेजेंट एड्रेस दिए गए हैं, तो दोस्तों आप उस एड्रेस में कितने दिनों से रह रहे हैं आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पर हम सेम पर क्लिक कर देंगे, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर टू व्हीलर एंड फोर व्हीलर के लिए यहां पर सेलेक्ट करेंगे, तो दोस्तों हम यहां पर लाइट मोटर व्हीकल चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर मोटरसाइकिल विथ गियर पर सेलेक्ट करके हम इसे चूज कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, तो दोस्तों आप इसे रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यस और नो पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहां पर चेक मार्क लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, आर यू श्योर सबमिट सेल्फ डिक्लेरेशन एंड फिजिकल फिटनेस। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से सेल्फ डिक्रेशन हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम बैक पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आपका अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है तो दोस्तों आप अपना ऑर्गन्स जो है डोनेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आप इसे ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों इसे आप रीड करके ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों अपलोड डॉक्यूमेंट दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका कुछ इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर चेक मार्क लगाइएगा। उसके बाद दोस्तों ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप चूज कर लीजिएगा। एज प्रूफ के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहां पर लगाएंगे। तो दोस्तों हम यहां पर आधार कार्ड विद DOB पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहां से अपना डॉक्यूमेंट जो है कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने कंफर्म का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों हम यहां से कंफर्म कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट है अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों हम यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना फ़ोटोज और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपके आधार कार्ड फ़ोटो है यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपलोड एंड व्यू का फाइल दिए गए हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका सिग्नेचर जो है अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज दिया गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों हम इसे रीड करके ओके पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नीचे की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो फीस पेमेंट दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर सेलेक्ट करके अपना फीस जो है पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों हमें यहाँ पर टोटल चार्जेस जो है 350 रुपये पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट हो जाने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक पर आएंगे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप पेमेंट करने के बाद लर्निंग लाइसेंस स्लॉट बुक कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप जिस भी डेट को स्लॉट बुक करेंगे उस डेट को आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाएगा। लर्निंग लाइसेंस मिल जाने के बाद दोस्तों आपको DL के लिए 1000 रुपये पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप 1000 रुपये पे कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों DL के लिए आपको एक डेट दिया जाएगा। तो दोस्तों आप उस डेट को जा करके अपना फ़ोटो कैप्चर कराएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो DL है 15 दिनों के अंदर डाक के माध्यम से आपके पास भेज दिया जाएगा।